ये चेंज करके वो नहीं चल रहा, लगा हुआ फिर फूकेगा तो फिर वो फूक जाएगा। सो गाइज़, हमारा आर ओ ख़राब हो गया था और हमने ठीक करने के लिए ये भैया को बुलाया है। हर बार सर्विस करने के लिए यही भैया हमारे घर पे आते हैं। तो दो दिन तो मैंने कैन मंगवाई, लेकिन मैंने रिस्क समझा कैन मंगवाना, क्योंकि डेली डेली कैन घर पे आएगी, तो मैंने सोचा बार बार रिस्क लेने से अच्छा है कि एक बार ही रिस्क ले ली जाए। तो बस वो भैया सर्विस करके चले गए हैं, मैंने सब कुछ सैनिटाइज़ कर दिया है अच्छे से, और यहाँ बैठ के मैं मैंगो शेक पी रही हूँ, आप सभी से हेलो कर रही हूँ। तो अभी मैं आपसे बात करती हूँ थोड़ी देर के बाद, पहले मैंगो शेक इंजॉय कर लेती हूँ, नहीं तो वो गर्म हो जाएगा। हे गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। मैं यहाँ पे मैंगो मिल्क शेक पी रही हूँ, फिर से लेके आई हूँ, एक ग्लास तो पी लिया मैंने। जब ना रख देते हैं ना उठा करके, थोड़ा सा बच जाता है, थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। तो मैंने इनको बोला कि थोड़ा सा आप भी ले लो, थोड़ा सा मैंने ले लिया है, तो खत्म कर दो इसको पी के। मैंने इनको ना दशहरी आम के लिए बोला था कभी, जो दशहरी वाले आम आते ना छोटे वाले, लेकिन ये मतलब शेक वाला लिया आए थे मैंगो, तो फिर मैंने फिर मैंगो शेक बनाया, कल भी बनाया था फ्राइडे में, आज भी बनाया, आज सैटरडे है, 11 जुलाई है, और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। आज मेरा सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो मैं थोड़ा सा ये वाला काम भी कर रही थी, ब्लाउजों वाला, तो ये थोड़ा सा टाइम पास काम है। आज वीकेंड है, स्पेशल कुछ करना चाहिए लेकिन नहीं किया। हमारा अरुणा दो दिन से खराब हो गया था, तो मैंने कल कैन मंगवाई थी पानी की, तो दो दिन से पता नहीं वो आवाज़ कर रहा था, जैसे चालू कर रहे थे ना तो उसमें से पी करके इस तरह से आवाज़ आ रही थी। बाल कैसे हो गए, ये नहा के आए हैं, ये कौन सा टाइम है नहाने का, तो उसमें से ना आवाज़ आ रही थी थोड़ी सी, बाल कैसे हो गए, ठंडे ठंडे बाल हैं इनके। मैं इनसे गुस्सा हूँ, मुझसे बात मत करो। मैं सुबह से बोल रही हूँ कि मुझे जाना है, थोड़ा सा काम जाना है, तो लेके नहीं गए, ये सही टाइम हुआ है जाने का, मुझे नहीं पता इस टाइम पे, पता है दोपहर में क्या है, थोड़ा सा भीड़ कम होती है, कम लोग बाहर निकलते हैं, और इस टाइम पे क्या है मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग बाहर निकल आते हैं, तो मैं इस टाइम पे जाना नहीं चाह रही थी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ हमें जाना है वहाँ पे, मैं नहीं जा रही, अब मुझे नहीं जाना, कल चलेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये देखो मेरे ब्लाउज में स्पेस तो बहुत है, ये देखो कितनी कितनी सारी इसमें सिलाई डली हुई है ना। मैं जब भी ब्लाउज बनवाती हूँ ना अपने, तो इस तरह से बोल देती हूँ कि अच्छे से स्पेस छोड़ना, क्योंकि कभी भी मोटी पतली हो सकती हूँ मैं, तो मैं ना ये स्पेस इतना सारा है इसमें, मैं सोच रही हूँ कि ये इसकी दो दो सिलाई निकाल देती हूँ, उसके बाद फिर मैं ट्राई करके देखूंगी, शायद मुझे आ जाएगा। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा गैप है, इस तरह से दो दो एक एक ब्लाउज करके मैं ना सारे ब्लाउज ठीक कर लूंगी, क्योंकि बहुत पहले के ब्लाउज में मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो भी टाइट हो गए होंगे जब ये हो गए हैं, तो ये तो अभी के बने हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो मैं ये काम करने के लिए बैठ गई थी, और ये मैं सेफ्टी पिन ली हुई हूँ, इसी से करूँगी, मुझे बहुत बोरिंग काम लगता है सिलाई करना और सिलाई निकालना। सिलाई निकालना तो ईजी है, लेकिन करना थोड़ा सा टफ है, मैं मानती हूँ सबका अपना अपना एक हुनर होता है, किसी किसी को सिलाई भी अच्छी लगती है, किसी किसी को नहीं भी लगती, जैसे कि मुझे नहीं लगती सिलाई करना अच्छा, मुझे पसंद नहीं है, शुरू से ही पसंद नहीं है मुझे। तो बस मैं यहाँ पे मैंगो शेक पी रही हूँ, हम लोगों ने लंच में आज बनाया था, क्या बनाया था सुबह, कुछ नहीं बनाया था, मैं सच बताऊँ कल का बहुत सारा खाना बचा हुआ था, मटर पनीर रखा था, थोड़ी सी लौकी रखी थी सुबह इनके लंच के लिए बनाई थी, और खीर रखी हुई थी, तो हमने फिर वही खाया था, मैंने कुछ नहीं बनाया था। अब सोच रही हूँ कुछ बना लूँगी इवनिंग में, और देखते हैं। चलो मैं ये वाला काम कर रही थी, सोचा कि अपना ब्लाउज स्टार्ट कर लूँ। हाँ, तो आरओ की बात चल रही थी है ना, तो आरओ ना बहुत दिन से, मतलब बहुत दिन से नहीं, दो दिन तीन तो हो गए ना, तीन दिन से आवाज़ कर रहा है, तो वो हमने सर्विस सेंटर से अभी भैया को बुलाया है, तो वो ठीक करके गए हैं। तो मैं सोच रही थी कि शायद वो ड्रिल मशीन भी लेकर के आएंगे, तो मेरा आरओ जो है वो हैंग हो जाएगा, लेकिन वो ड्रिल मशीन लेके नहीं आया, और इनने फोन किया तो पता नहीं, उसको बोल पूछ लेते एक बार, मुझे लगा इनके पास ही रहती है। वैसे वो हर बार आते हैं ना तो लेके आते हैं ड्रिल मशीन, लेकिन इस बार वो लेके नहीं आया, बोला मैं तो लेके ही नहीं आया, आपने बताया ही नहीं, आपने बोला कि सिर्फ सर्विस करवानी है, तो सर्विस हो गई है आरओ की, और वो ठीक हो गया है, उसकी जो आवाज़ आ रही थी वो ठीक हो गया है। कुछ भी चीज़ हो, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, मतलब 6-7 महीने में उसकी सर्विस करवानी पड़ती है, पानी का जो टेस्ट वगैरह होता है वो चेक करना पड़ता है। तो हो गई है सर्विस उसकी, और आवाज़ भी बंद हो गई है, बस उसको हैंग करने वाला काम रह गया है, तो भैया बोल रहे हैं कि 2-3 दिन में आएंगे, और उसके बाद फिर वो उसको हैंग कर जाएंगे। और हमने अच्छे से सैनिटाइज वगैरह कर दिया है, वो भी मास्क वगैरह लगाए हुए थे, मतलब
वो जानते हैं हर बार हमारे यहाँ सर्विस के लिए वही आते हैं। वैसे वो हमारे चाय पीते थे इस बार नहीं पी। हाँ वैसे वो चाय वगैरह पीते थे लेकिन इस बार नहीं पी, ठीक है ना, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। क्योंकि हम तो चलो ठीक है, हमें तो वो जानते हैं, लेकिन इस तरह से हमारे ऐसे घर में उनको कितनी बार जाना पड़ता है, कितने घरों में जाते हैं एक दिन में, है ना, वो सर्विस के लिए, तो हर जगह चाय तो नहीं पी सकते ना, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया था चाय पानी के लिए। पानी वो खुद का लेकर के आए थे और चाय उन्होंने पी नहीं, तो बस हम लोग यहाँ पे मेमोशेक पी रहे हैं। फिर मैं करती हूँ अपना काम, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, सोचा आपसे बातें कर लूँ। सो गाइस अभी हो रहा है नेक्स्ट डे और मैं अपने बालों में हेयर पैक लगाने के लिए जा रही थी, तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। ये मैंने लिया है एल्प्स गुडनेस का नीम पाउडर और ये आपके बालों के लिए, आपके फेस के लिए, दोनों के लिए ही अच्छा है। इसका प्राइस 60 रुपीज़ है, बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है और ये कोई ना कोई ऑफर में आपको मिल जाएगा purple.com पे। और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, आपके बालों में अगर डैंड्रफ है, हेयर फॉल हो रहे हैं, इचिंग होती है, तो आप इसका पैक बना करके अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, दीदी हमारे हेयर फॉल हो रहे हैं तो क्या करना है, तो मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से आप इसको लगाइए और लगा करके आप देखेंगे, एक बार में तो नहीं आपको पता चलेगा, लेकिन हाँ आप इसे कंटिन्यू 2-3 दिन लगाएंगे तो आपको पक्का फ़र्क दिखेगा। और यहाँ पर मैंने ये पाउडर ले लिया है एक बाउल में, इसमें मैंने एलोवेरा जेल डाला है और इसमें थोड़ा सा मैंने कोकोनट ऑयल डाला है और इसका हमें एक पेस्ट बना लेना है। आप चाहे तो नॉर्मल पानी से भी बना सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें डालने से और अच्छी चीज़ें हैं, ये तो हमारे बालों के लिए ही। तो इसकी खुशबू बिल्कुल नीम की जैसी है और बहुत अच्छी खुशबू थी। तो पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, नीम की पत्तियों को पीस कर अपने बालों में लगाते थे, लेकिन अब हमें जब पाउडर मिल जा रहा है तो हर जगह नीम अवेलेबल नहीं होता है, तो आप इस तरह से पाउडर ले सकते हैं। तो इसमें मैंने कोकोनट ऑयल ऐड किया है, एलोवेरा जेल ऐड किया है और आप इसको अपने फेस पर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके फेस पर पिंपल हैं या फिर कुछ भी मतलब प्रॉब्लम है, आपकी स्किन प्रॉब्लम है, तो आप अपने फेस पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अपने हेयर में अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का बैटर मैंने बना लिया है और इसको अपनी जड़ों में अच्छे से लगाना है और पूरे लेंथ में भी लगाना है, मतलब पूरे बालों में अपने आपको इसे लगा लेना है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो मैं लगाने वाली हूँ नीम पैक, ये देखिए। और कैसे बनाया है अभी मैंने आपको दिखाया था, तो इस तरह का हमको रखना है अपने बालों में लगाने के लिए। बालों को अच्छे से मैंने कॉम कर लिया है और चलिए मॉर्निंग का टाइम है, गुड मॉर्निंग इसलिए बोल रही हूँ, आज संडे है, आराम से करूँगी। थोड़ा सा अपनी केयर भी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नॉइज़ आती है इसलिए बात नहीं करती हूँ। चलो इस ब्रश के हेल्प से मैं लगाने जा रही हूँ और 3 घंटे आपको रखना ही रखना है। अगर आप 3 घंटे नहीं रख सकते तो 1 से 2 घंटे तो ज़रूर रखिए इसको अपने बालों में, उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए, सिंपल है। तो चलिए फिर मैं यूज़ करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका रिजल्ट। तो आप भी इसे बाय कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। क्योंकि मेरे पास बालों को लेकर के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ में ये शेयर कर देती हूँ। और ये देखिए मैं अपने बालों में अच्छे से जो हमारी रूट होती है उसमें से आपको लेकर के आना है, पूरे लेंथ पर लगाना है। तो आपको 1 से 2 घंटे तक इसे लगा करके रखना है, ये ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आप इसे ठंडे पानी से धो लीजिए और शैम्पू कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अपना पैक लगा लेती हूँ। शैम्पू आप केमिकल फ्री यूज़ किया करें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए मैं आपको अपना वॉशरूम दिखा देती हूँ। वैसे तो मैंने वॉशरूम दिखाया है, मैं जस्ट शावर लेके आई थी और वॉशरूम मैंने क्लीन किया है अच्छे से, तो सोचा कि चलो साफ़ सुथरा वॉशरूम आपको मैं अपना दिखा देती हूँ। और वॉशरूम की क्लीनिंग भी मैंने आपको दिखाई है कैसे करती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक छोटा सा ये हैंग करने के लिए हुक लगा रखा है और इस पर एक टॉवल मैंने हैंग करती हूँ। यहाँ पर जब भी ये लोग मतलब मेरे हस्बैंड वगैरह हैंड वॉश वगैरह करते हैं ना, तो यहाँ पर आराम से टॉवल ले लेते हैं। और ये देखो ये है मेरा वॉशरूम और ये गेट है ना ठीक से खुलता नहीं है, ऐसे ही रहता है ये। तो ये देखो ये यहाँ पे बेसिन लगा हुआ है, स्टार्टिंग से दिखाती हूँ आपको, ये इसकी स्टार्टिंग है। और ये पूरा वॉशरूम मैंने क्लीन किया है, वहाँ पे रखा हुआ है हारपिक और ब्रश वगैरह रखे हुए हैं और ये पास में ही है और ये हैंड वॉश रखा हुआ है, बहुत ज़रूरी है। और ऊपर एक मिरर लगा हुआ है, वैसे मैंने दिखाया है, लिंक भी दे दूंगी। नीचे एक झाड़ू रखी हुई है सीखो वाली, तो पहले मैं खड़ा करके रख देती थी तो आप लोगों ने ही कमेंट किया था दीदी इसको खड़ा नहीं रखते हैं, तो इस तरह से रखा है। ये मैंने यहाँ पे एक स्टैंड रखा हुआ है
इसमें सारे मेरे जो शैम्पू हैं, वो फेस वॉश है, मतलब सब कुछ इसमें रखती हूँ मैं। नीचे वाले सबसे लास्ट वाले में कुछ ब्रश वगैरह रखे हुए हैं, इसमें साबुन वगैरह रखे हुए हैं। अभी मैंने क्लीन किया है, थोड़ा सा गंदा सा हो रहा था। और ये बैठने वाली जो पट्टियाँ होती है वो है इस तरह से। और बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं हमेशा एक बाल्टी भर के रखती हूँ। तो कुछ इस तरह से है हमारा वॉशरूम। ये यहाँ का ये टाइल जो इस तरीके का लगा हुआ है, अच्छा लगता है, ऐसा लगता है सब गोवा में बैठे हो गोवा वाली फीलिंग आती है। तो ये इस तरीके की टाइल है यहाँ पे। और पीछे ओडोनिल और एक हैंग करने के लिए हैंगर है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का हमारा छोटा सा वॉशरूम है। और ये वेस्टर्न है इसमें, ठीक है। और एक बाहर है जो इंडियन है, मैंने एक दिन ब्लॉग में दिखाया था, तो मेरे पास उसी को देखकर कमेंट आया था कि दीदी आप अपना ये वॉशरूम दिखाइएगा। तो जो लोग न्यू जुड़ते हैं ना, उनको दिखा रही हूँ मैं, तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा कि आप बोलोगे बार बार वॉशरूम क्या दिखाना। तो ये देखो, जस्ट मैं शावर लेके आई हूँ और अभी मैंने अपने हेयर वॉश किए हैं, क्योंकि वॉशरूम क्लीन किया था। और वो हेयर पैक लगाया था ना मैंने, तो जो हेयर पैक है ना वो बहुत अच्छा है, मतलब एकदम जो नीम वाली खुशबू होती है और थोड़ा थोड़ा सा मतलब जो कड़वापन होता है, क्योंकि जब भी हम हेयर वॉश करते हैं तो थोड़ा बहुत पानी आ ही जाता है, इतना कड़वापन था उसमें। और इससे हेयर वॉश करने के बाद एकदम मतलब फ्रेशनेस मेरे को फील हो रही है, जब हम डिटॉल से या फिर इस तरह से नीम के पत्तों से जब नहाते हैं तो इस तरह से फील होता है ना। तो आज मैंने बहुत दिन के बाद ये वाला सूट पहना है। तो अभी मैं जा रही हूँ काम करने के लिए, बहुत लेट हो रही हूँ। और पहले अपने बालों को सुखाऊं, थोड़ा सा कुछ लगाऊं अपने फेस पे। अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, मुझे 1 घंटा हो गया है वॉशरूम में, पता है, क्योंकि मैंने अच्छे से डीप क्लीन किया है पूरा, पूरी टाइल वाइल अच्छे से सब कुछ। तो टाइम तो लग ही जाता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। छोटा सा है ये जो बेडरूम से अटैच है, वो थोड़ा छोटा वॉशरूम है, वो वाला बड़ा वॉशरूम है। तो पता नहीं लाइट कैसी ब्लू ब्लू सी हो रही है बीच बीच में। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, ठीक है। तो मैं डेली कपड़े वाली मशीन नहीं लगाती हूँ, थोड़े बहुत कपड़े होते हैं तो हाथों से ही धो देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे ही 2-3 कपड़े थे, वो मैंने हाथों से धो दिए हैं और साथ में डाल ही देती हूँ। और ये बाहर सुबह से 7 बजे से काम स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा नॉइस आती है, इसके लिए सॉरी। आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब होता होगा, हमारी आवाज़ प्रॉपर आती है नहीं आती है मुझे नहीं पता, लेकिन क्या करें, थोड़ी बहुत बातें भी करनी पड़ती है। वैसे कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉइस ओवर कर दूँ। तो ये देखो, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ चलती रहती हैं। और ये कल आटा लेकर के आए थे, तो मैंने सोचा था कि चलो मैं मॉर्निंग में भर दूंगी। तो यहाँ पे टीन में मैं पूरा आटा जो है भर के रख देती हूँ। और ये 10 kg आटा है, तो ये टीन में 10 kg आटा आराम से आ जाता है। तो ये मैं इसको फिल करके रख देती हूँ। ये सामने बैठे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये बोल रहे थे कि लाओ मैं कर देता हूँ। मैंने बोला कि छोड़ो, मैं कर लेती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई ज़रूरी काम भी कर रहे हैं बैठ करके। तो बस घर के सारे काम वगैरह हो चुके हैं, आप देख सकते हैं घर तो एकदम नीट एंड क्लीन डला हुआ है, सारे बर्तन वर्तन सब क्लीन कर दिए हैं मैंने। तो बस यहाँ पे ये काम रह गया था, मैंने मॉर्निंग में सोचा था, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं नहा कर ही भरूंगी। तो फिर मैं नहा कर के ये आटा जो है टिन में भर दिया है। और अभी बालों में से पानी निकल रहा था, तो मैंने इसलिए टॉवल नहीं हटाया। तो अभी जब थोड़ा सा पानी जो है ड्राई हो जाएगा, उसके बाद मैं टॉवल हटा दूंगी पहुँच करके, फिर आराम से अपने कंघी वगैरह करती रहूँगी। तो ये काम मुझे सामने सुबह से दिखा जा रहा था, मैंने सोचा कि इसको सबसे पहले मैं निपटा देती हूँ। तो जैसे दिखता नहीं है ना काम, फिर ऐसा लगता है कि चलो अब ये काम हमारा हो गया, नहीं तो सुबह से बहुत सारे काम दिखते हैं। तो मैंने सोचा कि अभी मैं तुरंत ही अपने जो है फेस पे सनस्क्रीन वगैरह लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं भूल जाती हूँ, तो पूरे दिन भर फिर स्वेटिंग होने लगती है, फिर मेरा कुछ लगाने का मन ही नहीं करता। तो सीधे नहाने के बाद लगा लिया तो लगा लिया, नहीं तो फिर दिन भर ऐसे ही रहती हूँ। तो अभी मुझे आपसे बात वगैरह करनी थी, तो मैंने थोड़ा सा अपना फेस जो है सुधार लिया है, बिंदी बिंदी ठीक कर ली है। और ये ब्लाउज़ मैंने दोनों रात को ठीक करके रख दिए थे। तो अभी मैं आ गई हूँ बालकनी में अपने बालों को सुखाने के लिए, क्योंकि अब मैं जाऊँगी खाना बनाने के लिए। तो खाना बनाने के लिए ऐसे तो नहीं जा सकती, इसलिए बालों को अच्छे से बांधूंगी, पहले सुखाऊंगी, उसके बाद जाऊंगी। और हल्की हल्की सी बारिश भी आ रही है बाहर, बूंदाबांदी हो रही थी, बहुत तेज़ तो नहीं थी लेकिन बूंदाबांदी चल रही है। और 2-3 दिन से दिन में डेली गर्मी होती है, लेकिन रात को आंधी तूफान, जब हम लोग सो जाते हैं ना 2-3 बजे के टाइम पे, डेली आंधी तूफान बारिश डेली आ रही है 2-3 दिन से, लेकिन दिन में बहुत तेज़ धूप आ जाती है। बाहर हल्की हल्की बारिश आ रही है, बहुत हल्की हल्की बारिश आ रही है। तो कपड़े तो गीले ही हैं, इसलिए फिर मैंने डाल ही दिए। और कल मैंने ना फिर अपना वीडियो कंटिन्यू नहीं किया था, क्योंकि मेरा ना मन ही नहीं कर रहा था कल करने का। और डेली रात को इतना अच्छा मौसम हो जाता है कि बस कुछ मत। तो कल रात को भी बारिश आई थी, परसों भी रात को बारिश आई थी, और अभी भी बारिश का मौसम है। अभी सुबह में धूप आई थी, लेकिन अभी
बारिश आने लगी है और मौसम भी है, लगता है कि तेज़ बारिश आ सकती है। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा, एकदम सिंपल सा खाना, जिसे आप बोल सकते हो लंच, जो कि हर इंडियन घर में पसंद किया जाता है। तो गैस करिए क्या, वीडियो को पॉज करिए, मुझे कमेंट करिए कि क्या। तो आज पता है मैं क्या बना रही हूँ, मेरा मन कर रहा है खाने का। वैसे तो बारिश के मौसम में कुछ ऑयली अच्छा लगता है खाने का, लेकिन मैं अब ऑयली फूड थोड़ा सा अवॉइड करूँगी बोल नहीं सकती हूँ, देखो बारिश का मौसम है, बहुत ज़्यादा मन कर जाएगा तो फिर बनाना भी पड़ेगा, और फरमाइश आ गई तो और भी बनाना पड़ेगा। तो वैसे तो मैं कोशिश कर रही हूँ अवॉइड करने की, लेकिन और ये देखो सूट, ये उस दिन मुझे नहीं आ रहा था, देखो आ गया ना, इतनी सी सिलाई जो इसमें पड़ी हुई थी ना, वो मैंने निकाल दी और ये मुझे बहुत अच्छे से आ गया, ये देख लो बिल्कुल सही आया है मुझे ये। तो हल्का सा टाइट हो रहा था मुझे, तो गर्मियों में होता है ना कि टाइट कपड़े मतलब अच्छा नहीं लगता है पहनने में, गर्मी गर्मी सी लगती है, तो अभी सही हो गया है ये और मैंने इसको पहन लिया, बहुत दिन के बाद पहना है क्योंकि मौसम जो है ठीक है आज का। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ आज मैं क्या बना रही हूँ जो कि हर इंडियन घर में पसंद किया जाता है, सबको ही पसंद होता है, सिंपल सा खाना है। बहुत दिन से आपके साथ अच्छा सा लंच रूटीन शेयर नहीं किया है ना, तो मैं बना रही हूँ क्या, ये मैंने किचन का विंडो ओपन किया है और मनी प्लांट में बहुत सारे न्यू पत्ते आए हैं, छोटे छोटे से, ये देखो छोटे से पत्ते आए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ना गाइस। और मैंने इसको सिर्फ बाहर की साइड को डाल देती हूँ, अगर इस विंडो में जाली होती ना, वो पतली वाली जो जाली होती ना, वो जाली होती ना, तो मैं इस विंडो को बंद ही नहीं करती और इसको ऐसे ही बाहर छोड़ देती, जिससे वो नीचे की साइड जाता रहता, तो अच्छा लगता ना। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ ये इतने से बर्तन मैंने चाय के थे धुल के रखे हैं, मैं बना रही हूँ आज दाल चावल हरी मिर्च तड़के वाली और आलू की भुर्जी, आप बोल सकते हो सूखी आलू की सब्जी, क्रिस्पी वाली जो होती है ना, वो सब्जी बनाने वाली हूँ। और इयररिंग्स पहनी है मैंने, वगैरह मगरम चपाती रहेगी, बस यही है। और क्योंकि ये मैंने क्यों डिसाइड किया है, खाने का मन तो कर ही रहा है लेकिन घर में कोई सब्जी भी नहीं है, तो आज संडे है और हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। तो आज संडे है, मैं इनको बोलूँगी ये सब्जी लेकर के आएंगे, और वैसे भी ना सब्जी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आती है, आज तो दाल चावल रोटी सब्जी आलू की सब्जी ये सब कुछ बनाने वाली हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, दाल चावल मैंने भिगोने के लिए रख दिए हैं, ये देखो दाल अरहर की, तुअर की पीली वाली दाल, बहुत से लोग अरहर की जानते हैं, ये है राइस, इनको धो करके तुरंत ही रख देती हूँ मैं बनने के लिए, और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो दाल चावल वाला काम है जो कि मैंने भिगो करके रख दिए थे, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले चावल धो करके रख दूँगी और दाल को लगा देती हूँ कुकर में, तो दोनों चीज़ें बनती रहेंगी, उसके बाद सब्जी वगैरह तो तुरंत बन जाएगी। तो बस दाल को बॉईल होने के लिए रख देती हूँ, नमक हल्दी डाल करके और पानी डाल के इसको बॉईल होने रख दूँगी। चावल को मैं हमेशा भगोनी में बनाती हूँ क्योंकि मुझे खिले बिना माड़ के चावल अच्छे लगते हैं, जब वो माड़ निकल जाता है चावल का जो स्टार्च होता है ना वो निकल जाता है, उसके बाद चावल खाने में थोड़े से लाइट भी हो जाते हैं, तो उस तरह से हम दोनों को ही पसंद है, तो मैं वैसे ही बनाती हूँ। बस यहाँ पे दाल को मैंने बनने के लिए रख दिया है, तो अभी मैं बना रही हूँ तड़के वाली मिर्ची, ये दाल चावल के साथ में बहुत अच्छी लगती है खाने में कभी कभी, तो आज मन कर रहा था थोड़ा चटपटा खाने का, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें थोड़ी सी अजवाइन थोड़ी सी सौंफ डाली है और ये हरी मिर्च डाल देंगे इस तरह से बीच में से चीरा लगा के, मतलब बीच में से काट के। मेरी तो छोटी छोटी मिर्ची थी, ऐसे भी डाल सकती थी, लेकिन अगर आपकी जो मिर्चियाँ हैं वो थोड़ी सी बड़ी हैं या मोटी हैं तो इस तरह से चीरा लगा के डाल दीजिए, अच्छे से पक जाती हैं। तो मैंने ये डाल दी, बहुत थोड़ी सी बना रही हूँ, हम दोनों के लिए काफ़ी हैं, और इसके बाद इनको थोड़ा सा भून लेंगे एक दो मिनट के लिए, नहीं तो ये एक तरफ से सिक जाएगी और एक तरफ से कच्ची रह जाएगी। इसमें थोड़ा सा डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, बिल्कुल थोड़ा सा, और थोड़ा सा डालूंगी मैं इसमें काला नमक, तो बिल्कुल थोड़ा सा काला नमक डालूंगी, इससे स्वाद अच्छा आता है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो। मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल रही हूँ, और मिर्ची तो हम इसमें डालते नहीं है क्योंकि ये तो है ही मिर्ची, इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया है, और ये मिर्ची बहुत जल्दी बन जाती है। इसमें आप चाहें तो बेसन भी डाल सकते हो, तो ये बेसन वाली मिर्ची बनके तैयार हो जाएगी, तो भून करके आप इसमें एक चम्मच बेसन भी डाल दीजिए अगर डालना है तो, लेकिन मैं अभी बेसन वाली नहीं बना रही हूँ क्योंकि बेसन तो ख़त्म हो गया है, तो थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था, पानी डालने से ये सॉफ्ट हो जाती है, और थोड़ा सा और पकाया उसके बाद इनको निकाल दिया मैंने। उसी कढ़ाई में फिर से ऑयल डाला है, हींग डाल दी है, और ये थोड़े से करी पत्ते डाल दिए हैं मैंने, थोड़ी सी डालेंगे सौंफ, थोड़ा सा जीरा, और थोड़ी सी डालूंगी इसमें सरसों के दाने डाल रही हूँ मैं, तो मैं बना रही हूँ आलू भुजिया, मतलब
आलू की सब्जी बना रही हूँ मैं सूखी वाली, और इसमें हल्दी डाल दी है। करी पत्ता सा बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ज़रूर ऐड कीजिएगा अगर आपके पास है तो। इसमें हरी मिर्ची डाल दी है दो, और ये इतना ज़्यादा धुआं इसलिए दे रही है कढ़ाई क्योंकि इसमें हमने मिर्ची बनाई थी ना इसलिए, तो इसमें कुछ मसाला पहले से था। इसमें मैंने आलू डाल दिए हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, मैंने आलू काट लिए थे वो डाल दिए, दो तीन बार धो लिए थे अच्छे से। इनको पहले हाई फ्लेम पे बिना नमक डाले मैं भून लूँगी, थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे मतलब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, उसके बाद इसमें मैंने नमक डाला है। तो 5 मिनट तक पहले मैंने ऐसे ही पका लिया था, उसके बाद नमक डाल के अब इनको सॉफ्ट होने देंगे। तो थोड़े से आलू पहले ही पक गए थे, थोड़े से मैंने नमक डालने के बाद पका लिए हैं, चेक कर लेंगे। आलू अच्छे से पक चुके हैं, अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देती हूँ, और थोड़ी सी डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। तो मुझे बहुत ज़्यादा तीखे नहीं बनाने हैं इसलिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाली है इसमें। थोड़ा सा डाल देते हैं भुना हुआ जीरा का पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो बढ़िया मसाले वाले बहुत अच्छे क्रिस्पी आलू ये बनके तैयार होते हैं। आप ये लंच बॉक्स के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है, आप बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। ये मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर, ये थोड़े से ना खट्टे खट्टे अच्छे लगते हैं, इसमें आमचूर पाउडर ही अच्छा लगता है, नींबू का रस अच्छा नहीं लगता। आप चाहें तो डाल सकते हैं, नींबू रस डालने से क्या होगा ना ये थोड़े से गीले से हो जाएंगे हल्के से, मुझे एकदम क्रिस्पी रखने थे और बिल्कुल सूखे सूखे से रखने थे इसलिए मैंने आमचूर पाउडर ऐड किया है, और थोड़ा सा धनिया डाल दिया है। और ये देखिए आलू की यम्मी सी सब्जी बनके तैयार है। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ घी में, घी में तड़का लगा रही हूँ दाल का। तो मैंने आज घी लिया है, कभी कभी ऑयल में भी लगाती हूँ। और मैंने इसमें हींग जीरा डाल दिया, थोड़ी सी प्याज डाल दी, थोड़ा सा लहसुन डाल दिया, थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दी है। और ये सारी चीज़ें भुनने के बाद मैंने टमाटर ऐड किए हैं, तो एक छोटा टमाटर बचा था मेरे पास में क्योंकि सब चीज़ ख़त्म हो चुकी है, तो वो टमाटर भी मैंने डाल दिया। और थोड़े से मसाले डाल दिए थे जैसे हल्दी तो हमने पहले ही डाली थी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया था, गरम मसाला ख़त्म हो चुका है तो जितना भी था उतना डाल दिया। और ये तड़का मैंने दाल में डाल दिया है, ये हमारी दाल बन के तैयार हो गई है। इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं, और ये सारी चीज़ें बनके तैयार हैं। बस अब मुझे चपाती बनानी है, चावल भी बन चुके हैं। तो आप सब लोग बोलते हो दीदी रोटी बनाने के लिए कोई कपड़ा बिछा लिया करो चकले के नीचे, तो मैं पहले बिछाती थी, और ये जो स्पेशली कपड़ा है ना ये मैं इसी के लिए लेके आई थी कि चकले के नीचे बिछाऊँ। लेकिन क्या होता है ना, जैसे आज हमने बिछाया फिर इसको हम झटकार के रख देते हैं तो इसमें चींटी वगैरह लगने का डर लगता है मुझे, तो इसलिए मैं ना बिछाती नहीं हूँ, मैं ना ऐसे ही बना लेती हूँ। ऐसे ही बनाने से क्या होता है, जितना भी आटा फैलता है उसको हम हाथ समेट लेते हैं और फिर वहाँ पे कपड़ा फेर देते हैं, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। तो चलो आज मैंने आपके कहने पे ये कपड़ा फिर से बिछा लिया है, और ये गर्मा गर्म रोटी बन चुकी है। सो गाइस ये देखिए, ये है हमारी थाली, इंडियन थाली, आलू की सब्जी, रोटी है, पापड़ है, मिर्ची है, प्याज है, राइस है, दाल है अरहर की। तो कैसी लगी आप सबको, अच्छी लगी ना? कभी कभी इस तरीके का लंच बहुत अच्छा लगता है, और बहुत कम ऑयल में मैंने बनाया है, बहुत ही यम्मी दिख रहा है, मुझे भी भूख लग रही है। पहले मैं इनको देने जा रही हूँ गर्मा गर्म चपाती, बढ़िया घी लगा के, ये देखिए। चलिए इनको दे आती हूँ मैं। तो सबसे पहले इनको खाना खिला दिया गर्म गर्म, उसके बाद यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ अपनी थाली, तो मैं भी यहाँ पे खाना खा लेती हूँ। और उसके बाद फिर क्या, फिर वही सारे काम, किचन समेटना है, बर्तन क्लीन करना है, और बस ये सारे काम हम लोगों के कभी ख़त्म होते नहीं। तो खाना खाने के बाद तुरंत ही मैंने सोचा कि मैं किचन क्लीन कर देती हूँ, बर्तन आराम से क्लीन करूँगी, तो बस यहाँ पर मैं किचन क्लीन करके रख देती हूँ, क्योंकि किचन ऐसे ही पड़ी रहे तो अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि कभी भी कोई भी आ जाए करे घर में तो अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसलिए किचन तो मैंने साथ ही साथ में क्लीन कर ही दी है। लेकिन बर्तन करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि एक बार खाना खा लो ना, खाना खाने के बाद काम करने का मन करता नहीं है, लगता है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लो, बैठ जाओ, उसके बाद करेंगे काम। तो गाइस ये देखिए, आप सभी को ये वाला ड्रेस देखना था, ये जो है ना ये शॉर्ट है, और ये रेड कलर, आप बोल सकते हो रेड कलर है ये, तो ये है, मैंने आज इसको वॉश किया था तो सोचा आपको दिखा था, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, स्लीवलेस है और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, मैं नाइट में इसको ही पहन करके सोती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने पिछले साल लिया था और पिछले साल भी गर्मी में पहना था, आज भी मतलब अभी भी मैं पहन ही रही हूँ, तो ये मुझे अच्छा लगता है, इसका कलर बहुत अच्छा लगता है, वीडियो में बहुत ही प्यारा कलर आता है इसका। तो ये देखो ये है वो ड्रेस, ठीक है, आप सब लोग बोल रहे थे दिखाने के लिए, कुछ नहीं यार मैंने बाल अभी अपने धोया ना तो बाल उठ पाती हूँ। क्यों पता है? क्या जो मेन गेट है ना, हाँ वहाँ पर एक फैमिली पूरी, वो मतलब कोरोना पॉजिटिव है,
सच्ची में पुलिस आई है, वो टेप लगा के गई है लाइन क्रॉस ना करें। अभी एक महीने पहले भी तो आया था। हाँ पहले भी आया था, वहाँ पे कोई ना कोई मतलब पॉजिटिव आता है, यहाँ हर महीने कोई ना कोई रहता ही है, या 20 दिन में 10 दिन में चेंज हो जाता है। वो लोग लापरवाही भी कर रहे हैं क्योंकि ना जाते हैं पिछले महीने भी एक क्वारंटाइन हुआ था वहाँ पे शायद, है ना, वो डॉक्टर थे तो वो तो शायद पॉजिटिव है ना, तो निगेटिव आ गया उनका, ठीक हो गया। अच्छा हाँ आप निगेटिव है वो, लेकिन पहले पॉजिटिव आए थे वो डॉक्टर थे, और अभी एक और फैमिली आई, पूरी फैमिली है पूरा बंद कर रखा है, सैनिटाइज भी हुआ है ना पूरा बंद कर रखा है, तो अपन लोग वहाँ से नहीं जा सकते क्या? उनको गेट खुला है लेकिन उनका जो अपार्टमेंट है वहाँ से टेप लगा दिया है और बंद कर दिया है उसके लाइन क्रॉस। अपनी सोसाइटी में? हाँ हाँ मेन गेट पर। सो गाइस एक और न्यूज़ मिली है आज, देखो ये बता रहे हैं कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें सी ब्लॉक है ना, कौन सा है? हाँ सी ब्लॉक। सी ब्लॉक में ना एक और पॉजिटिव पाए गए हैं, उनकी फैमिली पूरी पाई गई है ना। बताओ यार क्या होगा, सच में हर जगह ना केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। उनको होम क्वारंटाइन किया हुआ है पूरी फैमिली को। हाँ वो कुछ लोग ना, सच बता रही हूँ, पूरे लॉकडाउन में लापरवाही की है कुछ लोगों ने। अगर आप सेफ्टी बरतोगे ना तो कोरोना क्या कुछ भी आपके पास तक नहीं आएगा। और हाँ आज तो एक और न्यूज सुनी है मैंने, सुबह सुबह पूरा फेसबुक पे चल रहा था और न्यूज में भी चल रहा है कि अमिताभ बच्चन भी मतलब पॉजिटिव पाए गए हैं और उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी पाए गए हैं ना, दोनों ही पॉजिटिव हैं, और वो तो हॉस्पिटल में भी एडमिट है अमिताभ बच्चन जी, है ना। बताओ अब जब वो लोग सेफ नहीं है तो फिर हमें तो अब डर ही लगने लगा है सच में, कैसे क्या होगा। लेकिन थोड़ी सी सेफ्टी बरतो ना तो सब कुछ ठीक होगा, और घर में रहो थोड़ा सा, मतलब संभल के रहो, दूर दूर रहो, और बहुत सारी चीजें हैं जो करनी है घर में, पानी पियो, काढ़ा पियो गरम। हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, और बाहर बहुत इमरजेंसी है तो जाओ, नहीं है तो मत जाओ। इमरजेंसी होती है तो जाना पड़ता है, इतना टाइम हो गया बताओ, घर के लिए सामान लाना है या कुछ भी लाना है तो थोड़ा बहुत तो घर से निकलना ही पड़ेगा, लेकिन निकलो। सावधानी भी रखना पड़ेगी, तो लोग काम भी कर रहे हैं। बताओ आज दूसरी तीसरी न्यूज सुनने को मिल रही है, अभी कुछ दिन पहले एक फैमिली सुनी थी और डॉक्टर थे वो, आज एक और सुन ली है और आज अमिताभ बच्चन जी को भी सुन लिया है, तो दिमाग खराब हो जाता है ये सुन के, जैसे ही मुझे पता चलता है कि इतनी ज्यादा टेंशन होने लगती है कि सच में कब खत्म होगा ये सब कुछ, कब नॉर्मल होगा सब। यूँ तो दिल्ली में ज्यादा केस बढ़ रहे हैं लेकिन अब थोड़ा सा ना मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, सच बता रही हूँ, सुन सुन के चक्कर आने लगे हैं यार, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मेरा कैमरा भी घूम रहा है। नहीं यार सुन के एकदम से मतलब खुद को लगने लगता है कि हमारी भी तबीयत बिगड़ने लगी है, ऐसा लगता है मुझे तो चक्कर आ रहे हैं सच में, अजीब सा लगता है मतलब सुन करके, बहुत खतरनाक बीमारी है सच बता रही हूँ, उसके नाम से ज्यादा हो रहे हैं, इसके नाम से क्या लगने लगा है, दिल्ली में ठीक भी ज्यादा हो रहे हैं लोग, और हमारे एमपी में भी, अपने एमपी में भी बताओ एक दिन में कितने कितने केसेस निकल रहे हैं, हमारे एमपी में भी बहुत ज्यादा केसेस निकल रहे हैं अभी तो, एमपी में नहीं हर जगह ही निकल रहे हैं सच बता रही हूँ मैं, जहाँ से भी फोन आता है ना वो लोग यही बोलते हैं आज हमारे पास से दो निकले, एक निकला, तीन निकले, दिमाग खराब हो जाता है सुनकर के सच में। चलिए गाइस इस ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ, और आई होप, हाँ मैं एंड कर रही थी, आई होप आप सबको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सेफ्टी रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलो, नहीं तो मत निकलो। तो मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में नए रूटीन के साथ, आज संडे था, देखूंगी मैं इवनिंग से एक और अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लूंगी कुछ नया किया तो। चलिए फिर बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लंच की रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर बताना, ठीक है, बाय।